23 अप्रैल 2024 से लेकर 1 जून 2024 पर मार्स पाइसिस साइन पर ट्रांजिट करने वाले हैं, जहां पर ऑलरेडी राहु ट्रांजिट वाइज प्रेजेंट है। तो मार्स एंड राहु का जो कंजंक्शन है वो अंगारक योग के नाम से जाना जाता है। और अगर आप लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोई भी आप लोग क्लासिकल टेक्स्ट बुक आप लोग पढ़ लो, हर एक जगह पर अंगारक योग को नेगेटिव कहा गया है। तो इसी के वजह से काफ़ी सारे नेगेटिव इवेंट्स इस ट्रांजिट के वजह से होने वाला है। तो इसके विषय में डिटेल्स में मैं इस वीडियो का जो ट्रांजिट एनालिसिस पार्ट है वहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो का जो ट्रांजिट एनालिसिस पार्ट है उसको ध्यान से सुनिए, और उसके बाद अपने राशि एंड अपने लग्ना के हिसाब से इस वीडियो का जो भी प्रेडिक्शन पार्ट है उसको आप लोग चेक कीजिए। इसका टाइम स्टैम्प मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर मैं डाल दूंगी। ओके, तो चलिए इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर कोई भी नए व्यूअर्स है एंड अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। देखिए, मार्स एंड राहु जो पाइसिस साइन पर इन बिटवीन 23 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 पर ट्रांजिट करने वाले हैं, इसके वजह से अंगारक योग बन रहा है। अब अंगारक योग जो है वो बहुत ही मेलिफिक योग कहा जाता है, बिकॉज मार्स एक नेचुरली मेलिफिक प्लैनेट है और राहु का टेंडेंसी है कि वो किसी भी प्लैनेट के साथ अगर कंजंक्शन में रहते हैं तो उसका पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो भी इफेक्ट है उसको एम्पलीफाई कर देता है, यानी उसको बढ़ा देता है। तो इस वजह से क्या होगा, क्योंकि ये जो योग है वो पाइसिस साइन में बन रहा है जो कि एक वाटर साइन है, तो ओशन या फिर जो नदी वाला जो भी एरिया है वहाँ पर बहुत ही डिस्ट्रक्टिव नेचुरल कैलामिटीज़ हो सकता है। तो जो भी लोग मरीन में काम करते हैं, जो भी लोग फिशरी में काम करते हैं या फिर पानी में जाकर आप लोगों को काम करना पड़ता है, चाहे वो ओशन में हो या फिर नदी में हो, तो आप लोगों को बहुत ही सावधानी बरतना पड़ेगा। साथ ही साथ में क्योंकि मार्स जो है वो भूमिपुत्र है, तो अर्थक्वेक भी आने के चांसेस है, या फिर जो भी लोग माइन फील्ड में काम करते हैं, अर्थ के नीचे आप लोग खुदाई का काम करते हैं, माइनिंग फील्ड में काम करते हैं, ऑयल गैस पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम करते हैं, इन सभी एरियाज़ में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा सावधान होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे चोट लग सकते हैं, क्योंकि पाइसिस एक लॉस का साइन है। तो पाइसिस हॉस्पिटल को भी रिप्रेजेंट करता है, पाइसिस जेल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि काफ़ी लोग जो बहुत ही नेगेटिव काम करते हैं वो लोग इस वक्त जेल जा सकते हैं। तो बी वेरी केयरफुल, कोई भी उल्टा सीधा अनमाइंडफुल काम मत कीजिए तो ही बेहतर है, क्योंकि देखिए अंगारक योग जो है वो बहुत ही एक डिस्ट्रक्टिव योग है। तो पॉलिटिकल फील्ड में भी इसका इफेक्ट आएगा, तो खास करके जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पर काफ़ी सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, विद्रोह हो सकता है, आंदोलन हो सकता है, और जो ऑपोजिट पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, उनके बीच में काफ़ी सारा विरोध आ सकता है। तो इन चीज़ों के वजह से काफ़ी ज़्यादा पुलिस का, आर्मी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा नेचुरल लाइफ, नेचुरल जो भी कॉमन पीपल है उनके लाइफ में। तो यहाँ पर किसी भी एरिया में आप लोग काम करते हो, चाहे पुलिस में हो, आर्मी में हो, या फिर नॉर्मली आप लोग अगर पॉलिटिक्स के साथ कनेक्टेड है, आप लोग किसी भी तरह की का कोई भी एक्टिविज्म के साथ कनेक्टेड है, तो बी वेरी माइंडफुल। अपने ऑफिस के अंदर भी जो भी बॉसेस होंगे, जो अथॉरिटीज़ होंगे, उनके साथ बहुत ही सावधानी से कम्युनिकेट कीजिए, कोई भी अननेसेसरी फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट में मत जाइए तो ही बेहतर है। किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में देखिए, क्योंकि पाइसिस एक बहुत ही सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, पाइसिस उतना लॉजिकल साइन नहीं है, तो इस वजह से क्या हो सकता है कि आप लोग ना इमोशनली बहुत ज़्यादा इस वक्त थोड़ा टर्मोइल फेस कर सकते हैं, और इमोशनली डिसबैलेंस होने के वजह से क्या हो सकता है कि सडन एंगर इस वक्त जेनरेट हो सकता है, सडनली आप लोग गुस्सा हो जाएंगे और उस वजह से कुछ रिएक्शन आप लोग दे देंगे, जिसके वजह से भी आपके पर्सनल या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए, क्योंकि पाइसिस साइन जो है वो एक लॉस वाला साइन है, मतलब पाइसिस में जो है वो पैसा
आप लोग खर्चा कर रहे हो या फिर किसी वजह से पैसा आपका ड्रेन हो रहा है, क्योंकि नेचुरल कालपुरुष कुंडली में पाइसिस साइन 12th हाउस में फॉल करता है। तो इस वजह से क्या होगा कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन ऐसे फील्ड में आप लोग पैसा इन्वेस्ट करते हो तो बहुत ही केयरफुल एनालिसिस करके आप लोग इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो वहाँ पर सडन लॉस हो सकता है। और ख़ास करके ये लॉस किसके लिए होगा, जिसका करेंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड एंड पर्यंत्र दशा लॉर्ड नेगेटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। देखिए, ये जो वीडियो है वो एक जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन वीडियो है, मुझे मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट का क्या एनर्जी है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। अब इसका किस लेवल का, मतलब ये जो भी मैं एनर्जी के बारे में बता रही हूँ वो किस लेवल में आपके लाइफ को इफ़ेक्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके खुद के चार्ट के ऊपर कि आपके चार्ट में आपका करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड, पर्यंत्र दशा लॉर्ड किस तरह से प्लेस्ड है और ये तीनों प्लैनेट का जो कॉम्बिनेशन है वो एग्जैक्टली किस रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। जो लोग स्पेसिफिकली लाइक गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखे थे पहले से, गोल्ड का प्राइस इस वक्त बढ़ जाएगा। वैसे भी जुपिटर जो है वो टॉरस साइन पर 1 मई को एंटर करेंगे, उसके वजह से भी ये होगा। और क्योंकि ये अंगारक योग बन रहा है तो गोल्ड तथा जो भी बहुत ही प्रीशियस जो भी जेमस्टोन्स है, जो भी महंगे जो मेटल्स है, उनके जो प्राइजेस है वो और भी ज़्यादा इस वक्त बढ़ जाएंगे। तो नेचुरली ये सब चीज़ें होंगे। अब जिन लोगों ने भी मेरे जुपिटर ट्रांजिट इन कृतिका नक्षत्र का वीडियो देखा है वहाँ पर मैंने काफ़ी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में कहा है, पर अगर आप लोग बहुत ही ध्यान से सोचेंगे तो ये जो भी जुपिटर ट्रांजिट इन कृतिका नक्षत्र का जो भी मैंने पॉजिटिव चीज़ों के बारे में कहा है वो चीज़ें इस अंगारक योग के साथ एक कनेक्शन रखता है, क्योंकि पाइसिस साइन को जुपिटर ही रूल करते हैं। तो जैसे मैंने वहाँ पर कहा था कि आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ सकता है, सडनली कोई आइडिया आएगा जिसके वजह से कुछ न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में हो सकता है। पर आप लोग ही सोचिए, अगर कुछ नया आप लोग करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नया बिगिनिंग हो रहा है, तो उससे पहले जो पास्ट में जो चीज़ आपको सर्व नहीं करता है उसका डिस्ट्रक्शन होना इम्पॉर्टेंट है। मैंने ये भी कहा था कि कोई गुरु, कोई मेंटोर इस वक्त आपके लाइफ में आ सकता है। तो इस वक्त ये हो सकता है कि आप लोग मुसीबत में हो और उस वक्त अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड, पर्यंत्र दशा लॉर्ड पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई गुरु आ सकते हैं, कोई मेंटोर आ सकते हैं जो आपको इस विषय में शायद कुछ आइडिया देंगे, कुछ रास्ता आपको दिखाएंगे, जिसकी वजह से जो भी इश्यूज हो रहे हैं उसको आप लोग ओवरकम कर सकते हो और अपने लाइफ को नए तरीके से शुरू कर सकते हो। मैंने ये भी कहा था कि इस वक्त आपका जो लाइक स्पीच होगा वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, लॉजिकल होगा। अब एक बात आप लोग समझिए कि जिन लोगों का चार्ट इस वक्त नेगेटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है वो लोग सबसे पहले गलती करेंगे, उसके वजह से वो लोग कुछ ना कुछ नेगेटिव इवेंट वो लोग फेस करेंगे, उससे उनको जो लेसन मिलेगा उसके वजह से नेक्स्ट टाइम वो कभी भी इस तरीके का कोई भी हरकत नहीं करेंगे। और इसका मतलब है कि वो लोग दिमाग से अपने लॉजिक को ज़्यादा यूज़ करेंगे अपनी इमोशन के ऊपर और उस हिसाब से बहुत ही लॉजिकली बात करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ये दो जो जुपिटर ट्रांजिट इन कृतिका नक्षत्र एंड ये जो अंगारक योग है काइंड ऑफ दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। जिनके चार्ट में पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन है वो लोग पहले से ही इन वीडियोज़ को देख कर अलर्ट हो जाएंगे और वो लोग नेचुरली लॉजिकल तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसका सामना करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग नेगेटिव, जिन लोगों के चार्ट में नेगेटिविटी का इंडिकेशन है, नेगेटिव रिजल्ट का इंडिकेशन है, वो लोग चाहे कितना भी मैं समझा लूँ या फिर कोई और वीडियो में कोई और एस्ट्रोलॉजर ये सब चीज़ें बताए, उन लोगों के दिमाग में जब वो टाइम वो लोग फेस करेंगे, जब वो इंसिडेंट वो लोग फेस करेंगे, सिचुएशन फेस करेंगे, उस वक्त उनके दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं रहेगा कि इस वक्त मुझे शांत रहकर चीज़ों को हैंडल करना है। वो उस टाइम पे वो लोग मिस्टेक करेंगे और उसके बाद उनको जो लेसन मिलेगा उसके बाद से वो अपने लाइफ को, अपने स्पीच को, अपने लॉजिक को इम्प्रूव करेंगे। जिन लोगों के चार्ट में इस वक्त मनी लॉस है या फिर जेल में जाने का योग बन रहा है, वो लोग कितना भी ये सब वीडियो देख ले, अल्टीमेटली जब कोई नेगेटिव सिचुएशन वो लोग फेस करेंगे उस टाइम पे वो लोग अपना लॉजिक यूज़ नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि वो उनके चार्ट में है और इस वजह से उन लोगों को वो सिचुएशन फेस करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं ये जो वीडियो बनाती हूँ ये एक बहुत ही जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन वीडियो है और एक ही वीडियो में हर एक चीज़ को कवर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ना वो आप लोगों के समझ में आएगा और ना मैं उसको इतने कम समय में समझा पाऊँगी। तो इसी वजह से मल्टीपल वीडियोज़ में
हम लोग मल्टीपल तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं, पर ये जो ट्रांजिट्स है वो हमेशा इंटरलिंक्ड होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग असेंडेंट वाइज प्रेडिक्शन पर चलते हैं। तो अगर आप लोगों का लगना एरीज यानी मेष है तो पाइसिस साइन यानी आपके 12th हाउस पर अंगारक योग बन रहा है, तो यहाँ पर आपको आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो सटीक रखना पड़ेगा। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती ना रखना ही बहुत अच्छा है। अगर आप लोग वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर किसी फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो वहाँ पर भी जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस है वो कंप्लीट होने चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए। इन डॉक्यूमेंटेशंस में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको थोड़ा समय रख कर और ध्यान से चीज़ों को, आप जो भी फॉर्म्स आप लोग सबमिट कर रहे हो, जो भी डेटा, जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग सबमिट कर रहे हो, उस पर स्पेशल ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही में अगर आप लोग किसी तरह से एक्टिविस्ट हो, एक्टिविज़म का पार्ट हो, पॉलिटिकल रैली का पार्ट हो, तो यहाँ पर अगर आपके चार्ट में लाइक कुछ कोर्ट केस या फिर जेल जाने का योग अगर करेंटली बन रहा है, तो ये एक टाइम हो सकता है कि जहाँ पर आपको पुलिस के साथ, गवर्नमेंट के साथ किसी विरोध या फिर किसी प्रॉब्लम के वजह से जेल जाना पड़ सकता है। इस वक्त आपको आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके इमोशन के ऊपर, अपने गुस्से पर काबू रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग खुद ट्रैवल कर रहे हो, मतलब अगर मान लो कि गाड़ी से आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, खुद आप लोग गाड़ी चलाते हो, तो स्पीड कंट्रोल करके गाड़ी चलाना और बहुत ही स्टेबल माइंड होकर आप लोग गाड़ी चलाइए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप लोग नेचुरली किसी MNC कंपनी में जॉब करते हो या फिर आउट ऑफ कंट्री आप लोग फॉरेन लैंड पर कहीं पर रहते हो, तो वहाँ पर भी अपने बॉसेस एंड अथॉरिटीज़ के साथ अननेसेसरी फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कीजिए। अगर गवर्नमेंट के साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम है, तो उसको एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल उसको सॉल्व कर लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट टॉरस यानी वृषभ है, तो पाइसिस साइन आपके 11th हाउस में फॉल कर रहा है, तो डेफिनेटली अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर जो भी है उनके साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है आपके, क्योंकि 11th हाउस देखिए आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपके बड़े भाई बहन और आपके जो भी प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है उनके साथ इस वक्त बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, तो यहाँ पर बहुत ही सावधानी से बात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अननेसेसरी फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 11th हाउस का जो अपोजिट हाउस है वो 5th हाउस है। तो अगर आप लोग कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, बिटकॉइन हो या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट या फिर कहीं पर भी, तो वहाँ पर बहुत ही सोच समझ करके पैसा इन्वेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो लॉस हो सकता है। 11th हाउस का जो अपोजिट हाउस है 5th हाउस, वो आपके बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके एडुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो एडुकेशन में कुछ सडन ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं और आपके बच्चों के साथ आपका आर्ग्यूमेंट इस वक्त हो सकता है या फिर उनके हेल्थ में कुछ इफेक्ट आ सकता है। तो आपको, अगर आपका बच्चा है, तो आपको बहुत ही केयरफुली उनके हेल्थ सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। वो लोग कुछ इमोशनल टर्मोइल्स इस वक्त फेस कर सकते हैं, तो अगर वो लोग काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बिहेवियर कर रहे हैं, तो उनके इमोशन के ऊपर ध्यान देना, उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों का लग्न जेमिनी यानी मिथुन है, तो पाइसिस साइन आपके 10th हाउस में फॉल करता है, राइट? तो यहाँ पर आपके बॉसेस एंड अथॉरिटीज़ के साथ प्रॉपरली बिहेव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्लियर कट कम्युनिकेशन। एंड इस वक्त अगर लाइक उनके साथ अननेसेसरी फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट पे जाएंगे, तो वो आपके फेवर में नहीं जाएगा मोस्टली। एंड अगर आप लोग अपने करियर में चेंजेस कुछ चाहते हो, तो पहले कोई जॉब आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ही अपने करियर में कुछ आप लोग लीव का फाइल, लाइक कंपनी छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग अप्लाई कीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। कोई भी हड़बड़ी में कोई भी डिसीशन लेना इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है। अगर आप लोग गाड़ी परचेस कर रहे हो या फिर अगर आप लोग कोई भी होम लैंड रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर अपना खुद का घर खरीदना चाहते हो, तो जो ब्रोकर होंगे या फिर जो भी है जिनके साथ आप लोग डीलिंग करोगे, वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, क्योंकि मार्स जो है वो लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है। मार्स इस वक्त राहु के साथ है, राहु एक बहुत ही चीटिंग लाइक एक कैमेलियन प्लैनेट है, जो नेचुरली ऐसे इंसान को रिप्रेजेंट करता है जो कि जिनमें चीटिंग करने का टेंडेंसी होता है, फ्रॉजरी का टेंडेंसी होता है।
तो इस वक्त जो भी आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो लीगल होना चाहिए और इलीगल एक्टिविटीज से दूर रहिए, और जो भी आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंटेड तरीके से पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उसमें आपका फाइनेंशियल लॉसेस का चांसेस है। सिमिलरली घर वालों के ऊपर आप लोग बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट होंगे, इस वजह से घर वालों के साथ इस वक्त आपका रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस है, आपके छोटे भाई बहन के साथ आपका रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस है। और अब क्योंकि मार्स एक बहुत ही मेलिफिक प्लैनेट है, वो कट बर्न्स एंड ब्रूजेस को रिप्रेजेंट करता है। मार्स और एंड राहु एक ऐसा है जहाँ पर मतलब अंगारा की ओके यानी फायरी एक एनर्जी पैदा होता है, तो घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ इस वक्त ख़राब हो सकता है, या फिर अगर आपके चार्ट में अगर मार्स एंड राहु एंड फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपका करंट महादशा लॉर्ड अंतर्दशा लॉर्ड पर्यंत्रदशा लॉर्ड का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है या फिर नेगेटिव इवेंट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, तो घर के अंदर जो भी गैस सिलेंडर है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट है उनके ऊपर खास ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड क्या कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं इनहेरिटेंस को लेकर इस वक्त, हाँ सॉरी, इनहेरिटेंस को लेकर इस वक्त कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है। होम लैंड एंड रियल एस्टेट को लेकर कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है। अगर आप लोग होम बेस्ड बिजनेस करते हो तो घर के अंदर कुछ नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो सकता है जिसके वजह से आपके माइंड पर इसका इफेक्ट आएगा, तो योगा मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट कैंसर यानी कर्कट है तो यहाँ पर जो अंगारक योग है वो आपके नाइन्थ हाउस पे बन रहा है, तो आपके फादर फिगर के साथ या फिर कोई भी मेंटर टीचर गुरु के साथ इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस का ऑपोजिट हाउस होता है थर्ड हाउस, जो कि आपके फ्रेंड्स एंड आपके छोटे भाई बहन को कज़िन ब्रदर सिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोगों के साथ भी आपके नेबर्स को भी रिप्रेजेंट करता है थर्ड हाउस, तो ऐसे लोगों के साथ इस वक्त सडनली कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस है, तो आपको बहुत ही माइंडफुल होना पड़ेगा, अननेसेसरी फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना होगा, और रिलीजन के ऊपर बेस करके किसी तरह से कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो ऐसे चीज़ों को बढ़ावा ना देना ही इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त आपका जो रिलीजियस व्यूज़ होगा वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होगा, और उसको प्रूफ करने के लिए दूसरे लोगों के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस हायर लर्निंग हायर एडुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो हायर लर्निंग एंड हायर एडुकेशन में इस वक्त सडन कोई ब्रेक्स या फिर ऑब्स्टकल आ सकता है। अगर आप लोग कोई यूनिवर्सिटी में पास करने के लिए मतलब एंटर करने के लिए अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो बी वेरी केयरफुल, अपने दिमाग को शांत रखकर एग्ज़ाम हॉल पे जाइए। इस वक्त आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम कर सकता है, स्पेसिफिकली टिल 11th of May 2024, बिकॉज मतलब मर्क्यूरी भी आपके मार्स एंड राहु के साथ रहेंगे। मर्क्यूरी हमारा नर्वस सिस्टम है, इंटेलिजेंस है, तो अगर आप लोग हायर लर्निंग के लिए कोई एग्जामिनेशन आप लोग दे रहे हो किसी यूनिवर्सिटी में मतलब एंटर करने के लिए, तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि टेंशन के वजह से आपका अगर नर्वस सिस्टम वैसे ही वीक है तो नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है या फिर सडन एंग्जाइटी हो सकता है जिसके वजह से प्रॉब्लम होगा। अगर आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ट्रैवलिंग में सडन अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, ब्रेक्स आ सकते हैं, तो प्रॉपर टाइमिंग के साथ लाइक टाइमिंग थोड़ा एक्स्ट्रा रखिए आप लोग, तो वो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट लियो यानी सिंह है तो क्या होगा कि ये जो अंगारक योग है वो आपके एथ हाउस पर बन रहा है पाइसिस साइन पर, तो एथ हाउस जो है वो आपके इन-लॉज को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके इन-लॉज के साथ यहाँ पर सडन अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। अगर आप लोगों का ऑलरेडी इनहेरिटेंस को लेकर कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो वो उसमें और भी ज़्यादा वो झगड़ा आर्ग्यूमेंट इस वक्त बढ़ सकता है, क्योंकि एथ हाउस जो है वो लाइक क्या बोलते हैं गैम्बलिंग को रिप्रेजेंट करता है, लॉटरी को रिप्रेजेंट करता है, तो गैम्बलिंग या फिर लॉटरी या फिर मनी इन्वेस्टमेंट से लॉसेस हो सकता है, तो कहीं पर भी आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गैदर करना इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए या फिर कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाइए, पर रैंडमली कहीं पर भी आपको लगा आपने इन्वेस्ट कर दिया ऐसा ना करिए तो ही बेहतर है।
8th हाउस का जो अपोजिट हाउस होता है वो सेकंड हाउस होता है, जो कि आपके स्पीच को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके स्पीच के वजह से आपका स्पीच इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएगा। तो दूसरे लोगों के साथ और स्पेसिफिकली आपके खुद के परिवार वालों के साथ इस वक्त आपका कम्युनिकेशन स्टाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, जिसके वजह से प्रॉब्लम इस वक्त और भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। तो आपके कम्युनिकेशन को, आपके एक्सपेंसेस को, क्योंकि सेकेंड हाउस आपके आपके सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर आपका सेविंग्स इस वक्त क्या बोल सकते हैं, खर्चा इस वक्त बहुत ज़्यादा होगा, तो आपको थोड़ा माइंडफुली आपको खर्चा करना पड़ेगा। एंड आपके स्पीच के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपके फूड हैबिट पर ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों का लग्न वर्गो यानी कन्या है, तो आपके सेवेंथ हाउस पर अंगारक योग बन रहा है। तो सेवेंथ हाउस आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, आपके अदर पीपल के साथ, मास पीपल जो भी है उनके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, और आपके स्पाउस, आपके इन-लॉज या फिर आपके जो लव रिलेशनशिप्स है उनको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग बिजनेस करते हो पार्टनरशिप में, तो बिजनेस पार्टनर के साथ, और नहीं तो अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हो तो आपके लव पार्टनर के साथ, और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके वाइफ या फिर आपके हस्बैंड के साथ इस वक्त किसी वजह से आर्ग्यूमेंट हो सकता है, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मर्क्यूरी भी 11th ऑफ मे 2024 तक इस अंगारक योग का पार्ट बने रहेंगे। ओके, तो कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर कट करना इम्पॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को रैंडमली आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट करने से पहले मतलब अपना लॉजिक यूज़ कीजिए, और उसको क्लियरली अगर आप लोग बात कर लेंगे, चीज़ों को सॉल्व करेंगे, तो उससे मतलब अच्छा होगा। अननेसेसरी फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कीजिए। अगर आपका बिजनेस पार्टनर है तो उसमें कुछ ब्रेक आ सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप में ब्रेक आ सकता है, और कुछ न्यू कोलाबोरेशंस इस वक्त आ सकते हैं। अगर आप लोग न्यू कुछ डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, न्यू कोलाबोरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। मुँह के किसी ने आपको कुछ प्रॉमिस किया, हो सकता है कि वो लोग उन प्रॉमिस को बाद में फुलफिल नहीं करेंगे, तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही में अगर आप लोग मतलब सिंगल हो और कोई नया लव रिलेशनशिप इस वक्त आ रहा है, तो बी वेरी केयरफुल। वो जो इंसान है वो आपके लिए सही नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसका पर्सनैलिटी राहु टाइप होगा। मैक्सिमम चांसेस है कि इस वक्त आपके लाइफ में जो आएगा वो इंसान बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला इंसान होगा। उसका जो भी बैकग्राउंड होगा, जो भी उसका चाहे वो रिलीजियस बैकग्राउंड हो या फिर जो भी फैमिली बैकग्राउंड हो, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा आपसे, उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। और नहीं तो क्या होगा कि वो लोग काफ़ी मतलब राहु एक बहुत ही फॉल्स पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो लोग जो दिखा रहे हैं वो एक्चुअली में वो लोग वैसे नहीं है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा और जो भी रेड फ्लैग्स है उनको देखना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप में भी जो नेगेटिव रिलेशनशिप्स है वो इस वक्त कट ऑफ होने के चांसेस है। एंड इस वक्त क्या होगा, आपके पार्टनर आपके ऊपर डोमिनेटिंग बिहेव करेंगे और आप भी अपने पार्टनर के ऊपर डोमिनेंस लाएंगे, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पर एडजस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों का लग्न लीब्रा यानी तुला है, तो पाइसिस आपके सिक्स हाउस में फॉल करता है, तो सिक्स हाउस में अंगारक योग बन रहा है। सिक्स हाउस आपके डेली वर्क लाइफ एंड डेली वर्क रूटीन को रिप्रेजेंट करता है। तो चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप लोग जॉब करते हो, कुछ भी काम करते हो, आपके डेली वर्क लाइफ डेली वर्क रूटीन में इस वक्त आपके जो कोवर्कर्स होंगे या फिर जो बॉसेस अथॉरिटीज होंगे उनके साथ फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट इस वक्त हो सकता है, और आपका गुस्सा इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो गुस्से पर नियंत्रण रखना इम्पॉर्टेंट है। सिक्स हाउस क्योंकि आपके हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो स्पेसिफिकली अगर आप लोग लेबर बेस्ड कोई काम करते हैं या फिर अपने मैनुअली कोई काम करते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट या फिर फायर को लेकर कोई काम करते हैं, केमिकल के साथ कोई काम करते हैं, तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इस वक्त कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो अगर आप लोग गाड़ी भी चलाते हो तो बी वेरी केयरफुल। देखो, मार्स जो है वो नेचुरली एक्सीडेंट, कट, बर्न्स एंड ब्रूजेस को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर आपके हेल्थ में इफेक्ट आ सकता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इस वक्त प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको अपने फूड हैबिट पर ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है और अपने हेल्थ पर ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आइदर डॉक्टर कंसल्ट कीजिए और नहीं तो अपने फूड हैबिट पर ध्यान दीजिए।
और इस वक्त क्योंकि देखो मर्क्यूरी भी 11th of May 2024 तक इस अंगारक योग के पार्ट बने रहेंगे, तो कम्युनिकेशन बातचीत बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट होना चाहिए एंड जितना हद तक पॉसिबल है अननेसेसरी फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिक्स हाउस आपके एनिमी सिचुएशन आपके ऑब्स्टेकल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑब्स्टेकल इस वक्त आ सकते हैं बट अगर आपका करेंट महादशा लॉर्ड अंतरदशा लॉर्ड पर्यंतरदशा लॉर्ड पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है तो नो मैटर कि कोई भी ऑब्स्टेकल आए या फिर कोई भी एनिमी इस वक्त आए, आप लोग उनको इस वक्त डिफीट कर सकते हो, आप लोग ओवरकम कर सकते हो। देखिए सिर्फ अगर मार्स जो है वो सिक्स हाउस के कारक का है, यानी सिक्स हाउस के सिग्निफिकेटर है मार्स, तो इस वक्त अगर आप मतलब अगर आपका जो दशा है वो अगर पॉजिटिव है तो लोन इस वक्त आपको इजीली मिल जाएगा, और न तो अगर ऑलरेडी लोन है तो लोन इस वक्त आप लोग चुका पाएंगे, बट अगर नेगेटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है आपका करंट महादशा लॉर्ड अंतरदशा लॉर्ड, तो क्या होगा कि लोन इस वक्त अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो वो रिजेक्टेड हो जाएगा, और न तो लाइक लोन पे ऑफ करने में मुश्किल होगा। तो ये ऐसा एक सिचुएशन है जो हर एक इंसान के अलग अलग तरीके से रोल प्ले करेगा। ये एक जनरलाइज्ड प्रिडिक्शन वीडियो है तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के बारे में बता सकती हूँ। इस एनर्जी में कौन कौन सा एनर्जी आपके लाइफ में किस हद तक इफेक्ट लाएगा और किस तरह से इफेक्ट करेगा वो आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है तो आपके फिफ्थ हाउस पर यह अंगारक योग बन रहा है, तो यहाँ पर क्योंकि फिफ्थ हाउस आपके बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका बच्चा है तो उनके एडुकेशन में इस वक्त थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ऑब्स्टिकल आ सकते हैं। आपके बच्चों के हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग खुद पढ़ाई करते हो तो आपके पढ़ाई में इस वक्त कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, पर यह ऑब्स्टिकल बहुत ही ज़्यादा टेम्पररी है, ये आफ्टर दैट मतलब जैसे ही मार्स मूव करेंगे किसी और साइन पर तो यह ऑब्स्टिकल ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा धीरे धीरे। फिफ्थ हाउस जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट बिटकॉइन पे हो या फिर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो, तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है फिफ्थ हाउस। गैम्बलिंग को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, तो अगर आप लोग अपना पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस कीजिए उसको कि क्या वो इन्वेस्टमेंट अच्छा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ कन्फ्यूशन है डाउट है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाइए और उसके बारे में आप लोग कंसल्टेशन लीजिए। नहीं तो इन्वेस्टमेंट अगर देखिए अगर आपका करेंट महादशा लॉर्ड अंतरदशा लॉर्ड पर्यंतरदशा लॉर्ड अगर नेगेटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है तो इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होने के जगह पर लॉस हो सकता है। पर इवन अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड अंतरदशा लॉर्ड पर्यंतरदशा लॉर्ड अगर पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ भी अगर इंडिकेशन दे रहा है तब भी जितना आप लोग गेन एक्सपेक्ट करेंगे उस हद तक गेन इस वक्त आपको नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा कम मिलेगा पर लॉसेस नहीं होगा उस केस में। फिफ्थ हाउस आपके रोमांस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इस वक्त अगर आपका कोई भी लव इंटरेस्ट है तो उनके साथ इस वक्त प्रॉब्लम हो सकता है, तो कोई भी अगर आर्ग्यूमेंट है तो उसको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और किसी चीज़ पर अगर कुछ कन्फ्यूशन है डाउट है तो उसके विषय में बातचीत करके इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लेने में ही भलाई है। और क्योंकि देखिए लाइक फिफ्थ हाउस जो है वो आपका जो क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन है उसको भी रिप्रेजेंट करता है, तो इस वक्त अगर आप लोग क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड कोई भी चीज़ सीख रहे हो तो क्रिएटिव ब्लॉक्स इस वक्त आ सकता है। पर हाँ अगर आप लोग एडवोकेट्स हो तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आप मतलब आपका जो मतलब क्या बोलते हैं आई एम वेरी सॉरी बट जो झूठ बोलने का एबिलिटी है वो इस वक्त बढ़ेगा। ओके, लाइक क्योंकि राहु इस वक्त कनेक्टेड है, मार्स जो है वो लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है, मार्स एक्चुअली एडवोकेट है, जो एडवोकेट कोर्ट में जाकर लड़ रहा है अपने क्लाइंट के लिए तब वो मार्स हो जाता है, और मार्स लॉजिक है इस वजह से। और जब भी मार्स राहु के साथ कनेक्टेड हो जाता है तो राहु जो है वो एक बहुत ही लाइक एक ऐसा पर्सनालिटी है जो बहुत ज़्यादा झूठ बोल सकता है, चीटिंग टेंडेंसी होता है, तो इस वक्त नेचुरली अगर आप लोग वकील हो तो आपके अंदर किस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है चीज़ों को, चाहे झूठ बोल के हो चाहे वो किसी और तरीके से हो, वो जो बुद्धि है वो इंटेलिजेंस इस वक्त इम्प्रूव करेगा। तो कहीं पर भी बिजनेस डीलिंग कर रहे हो
तो अगर कुछ न्यू कोलाबोरेशन है तो वहाँ पर केयरफुल रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ हाउस का ऑपोजिट हाउस होता है 11th हाउस, तो आपके बड़े भाई बहन और आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में इस वक्त प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप लोग किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो पैसा स्टक होने के चांसेस है। लाइक 11th हाउस जो है वो गेन होता है, तो इस वक्त पैसा अगर आप किसी को दे रहे हो तो बी केयरफुल, क्योंकि वो पैसा स्टक हो सकता है लंबे समय के लिए। ओके, तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट सैजिटेरियस यानी धनु है तो आपके फोर्थ हाउस पर ये अंगारक योग बन रहा है। तो फोर्थ हाउस जो है वो आपके मेंटल पीस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो आपका फोर्थ टेंथ एक्सेस में यानी राहु एंड केतु है, तो जब भी आपके फोर्थ टेंथ एक्सेस में राहु केतु होता है वो थोड़ा थोड़ा मेंटली इंसान को डिस्टर्ब करता है। तो क्या होगा कि क्योंकि इस वक्त मार्स एंड राहु विथ मर्क्यूरी आपके फोर्थ हाउस पर रहेंगे, मर्क्यूरी ऑल्दो 11th मे के बाद अपना साइन चेंज करेंगे बट स्टिल, तो यहाँ पर फैमिली वालों के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है और इसके वजह से आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस है, खास करके आपके माँ के साथ, क्योंकि फोर्थ हाउस आपके मदर को रिप्रेजेंट करता है और आपके फैमिली मेम्बर्स को भी रिप्रेजेंट करता है इन जनरल। तो फैमिली मेम्बर्स के साथ और आपके माँ के साथ आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कीजिए। अपने दिमाग में कोई भी इस वक्त अगर एंजाइटी आ रहा है या फिर अननेसेसरी थॉट्स आ रहा है तो इसको रिमूव करने के लिए योगा एंड मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त अपने एनर्जी को आप लोग पॉजिटिव चीज़ें की तरफ लगाइए। फॉर एग्जांपल कि आप लोग कुछ काम कर रहे हो या फिर कुछ नया स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हो, अगर उसके तरफ अपना एनर्जी लगाएंगे तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी हद तक नलीफाई हो जाएगा। और चीज़ों को मतलब रिएक्ट मत कीजिए, इस वक्त रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कीजिए। किसी भी चीज़ के ऊपर रिएक्ट करने से पहले, अपना गुस्सा दिखाने से पहले, जो अदर पर्सपेक्टिव है या फिर जो अदर पर्सन है उसकी बातों को भी अच्छे से सुनना इम्पॉर्टेंट है। होम, लैंड, रियल एस्टेट एसेट या फिर कार परचेज को लेकर इस वक्त झगड़ा आर्ग्यूमेंट बहुत हद तक बढ़ सकता है इस वक्त। और अगर आप लोग खुद भी पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी चीज़ पे, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वहाँ पर कुछ लॉसेस होने के चांसेस है। साथ ही में जो इंसान है, अगर मान लो कि किसी के साथ आप लोग डीलिंग कर रहे हो, चाहे वो घर परचेस कर रहे हो तो ब्रोकर के साथ डीलिंग कर रहे हो, या फिर अपना गाड़ी सेल कर रहे हो, अपना होम सेल कर रहे हो, या फिर कुछ भी कुछ एसेट खरीद रहे हो, तो वहाँ पर हो सकता है कि जो इंसान है वो आपको चीट कर सकता है, बाद में वो अपने बातों से मुकर सकता है। तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी इंसान के ऊपर, उनके मुंह के बातों के ऊपर विश्वास ना कीजिए तो ही बेहतर है। और क्योंकि मतलब राहु एंड मार्स का जो इफेक्ट है वो आपके 10th हाउस पे भी आएगा, तो इस वक्त आपके बॉसेस एंड अथॉरिटीज़ भी आपके साथ चीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने बोला कि हाँ मैं आपको प्रमोशन दे दूंगा, बट इस वक्त आपसे काम करवा लिया, उसके बाद जैसे ही आपने पूछा कि अच्छा मेरा प्रमोशन कहाँ है, तो उन्होंने बोला कौन सा प्रमोशन, मैंने तो नहीं बोला। तो अगर इस टाइप का कोई प्रॉमिस कोई आपको कर रहा है तो आप उनको बोलिए कि कोई रिटन फॉर्मेट में आपको दे, चाहे ताकि बाद में वो अपने डिसीशन से पीछे ना आ पाए। तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही में क्या हो सकता है कि घर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है या फिर जो भी गैस सिलेंडर है उसको प्रॉपरली आप लोग ध्यान रखिए, ना तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहने की कोशिश करी। तो ओवरऑल यही है। अभी अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट अगर कैप्रिकॉन यानी मकर है तो आपके थर्ड हाउस पर अंगारक योग बन रहा है। तो थर्ड हाउस पे क्योंकि अंगारक योग बन रहा है, थर्ड हाउस जो है वो आपके कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी इंसान के साथ कम्युनिकेशन करते वक्त किस तरह से आप लोग बात कर रहे हो, क्या आप लोग बोल रहे हो, इसके ऊपर ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है। झगड़ा आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खास करके आपके क्योंकि थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन और नेबर्स को रिप्रेजेंट करता है, फ्रेंड सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। और थर्ड हाउस का जो ऑपोजिट हाउस है वो 9th हाउस है, जो कि फादर लाइक फिगर, गुरु, टीचर, मेंटर, इन लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो इन लोगों के साथ खास करके ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। थर्ड एंड 9th हाउस दोनों ही देखिए ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवलिंग के दौरान बहुत ही केयरफुली आप लोग ट्रैवल कीजिए, हाथ में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रखकर आप लोग ट्रैवलिंग कीजिए और जो भी डेटा है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसको प्रॉपरली आप लोग कैरी कीजिए।
इस वक्त सामान मिसप्लेस होने के चांसेस है, डॉक्यूमेंटेशन गलत होने के चांसेस है, तो जब भी आप लोग कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन आइदर कैरी कर रहे हो या फिर कहीं पर भी कोई डॉक्यूमेंटेशन फाइल कर रहे हो, बी वेरी माइंडफुल, डबल चेक कर लीजिए कि कोई गलती तो नहीं हुआ है, सामान कहीं पर छूट तो नहीं गया है, और ट्रैवलिंग के दौरान पैसेंजर्स के साथ जो आपके को पैसेंजर्स होंगे उनके साथ भी इस वक्त प्रॉब्लम हो सकता है, और कहीं ना कहीं जो न्यू फ्रेंड्स इस वक्त आएंगे, जो न्यू लोग आपके लाइफ में आएंगे, उन पर भरोसा आग बंद करके ना करें तो ही बेहतर है। थर्ड हाउस आपके स्किल को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वक्त आप अगर कोई नया स्किल सीखने की तरफ आप लोग काम करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और क्योंकि थर्ड हाउस आपके करेज को रिप्रेजेंट करता है तो हो सकता है कि सडनली आप लोग कुछ दिमाग में आया और सडनली कोई आप लोग इंपल्सिव तरीके से डिसीजन लेने का एक टेंडेंसी आ सकता है, तो उसको अवॉइड करना ही बेहतर है। ओके, तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट एक्वेरियस यानी कुंभ है तो आपके सेकेंड हाउस पाइसिस साइन पर अंगारक योग बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए क्योंकि सेकेंड हाउस आपके स्पीच को रिप्रेजेंट करता है तो आपका स्पीच इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएगा, जिसके वजह से आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में इस वक्त आर्ग्यूमेंट हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो इस वक्त अननेसेसरी फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई भी बात करना है तो उसको क्लियरली आप लोग कम्युनिकेट कीजिए ताकि कोई भी कन्फ्यूशन ना रहे, तो ही अच्छा रिजल्ट आएगा। साथ ही में अगर मान लीजिए कि आपका ऑपोजिट पर्सन कुछ आपको एग्रेसिवली बोल रहा है या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स कुछ आपको बोल रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वहाँ पर गुस्सा ना करके, मतलब अपने गुस्से को काबू करना इम्पॉर्टेंट है, और लॉजिकली उनके साथ रिप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि आप ही विक्टोरियस होंगे, पर अगर आप लोगों ने अपने गुस्से पर काबू नहीं रखा तो बना बनाया बात भी इस वक्त बिगड़ सकता है, क्योंकि 12th हाउस एंड सेकेंड हाउस जो है वो आपके सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वक्त अपने गुस्से को काबू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हाउस आपके फाइनेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि खास करके सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि सेविंग्स इस वक्त किसी ना किसी वजह से आपका जो है वो कम होगा, आइदर कम होगा और न तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होगा, अननेसेसरी लाइक अनएक्सपेक्टेड कोई खर्चा इस वक्त होगा या फिर पैसा इस वक्त ज़्यादा आप लोग खर्चा करेंगे, तो वहाँ पर थोड़ा आपको केयरफुल होना है और अपने फूड हैबिट पर ध्यान देना है, नहीं तो क्या होगा कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर आपके हेल्थ में इशू हो सकता है। अगर देखिए क्योंकि सेकेंड हाउस का ऑपोजिट हाउस एथ हाउस होता है, तो कहीं पर भी आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो बी वेरी केयरफुल, चाहे कोई पॉलिसी में या फिर कोई बैंक में कोई आप लोग मतलब हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हो या फिर अपना पैसा कहीं पर भी आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो फ्यूचर के लिए या फिर आप लोग गैम्बलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, बी वेरी केयरफुल। अगर पॉलिसी या फिर बैंक में कुछ चीज़ों के वजह से इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन जान लेना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लॉस हो सकता है, और नहीं तो क्या होगा कि इम्पल्सिवली पैसा कहीं पर भी गैम्बलिंग के लिए यूज़ ना करें तो ही बेहतर है। और अगर आप लोग नेचुरली बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट के साथ या फिर ऑयल गैस पेट्रोलियम या फिर माइन फील्ड में काम करते हैं, मैनुअल लेबर का कोई काम करते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट को लेकर या फिर फायर को लेकर या फिर केमिकल को लेकर कोई भी काम करते हैं, तो बी वेरी केयरफुल, हेल्थ में इशू हो सकता है, उसका इफेक्ट आ सकता है। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट पाइसिस यानी मीन है तो आपके लग्न पर ही अंगारक योग बन रहा है, तो क्योंकि लग्न आपके ओवरऑल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर और अपने गुस्से पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरे आपके किस आपके लाइफ में जो भी सभी एस्पेक्ट है, सभी एस्पेक्ट को चाहे वो पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, हर जगह में इसका नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने गुस्से पर काबू कीजिए, सेकेंडली कहीं पर भी आप लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने बात को लॉजिकली करिए, चिल्लाइए मत, गुस्से से मत बात कीजिए, लॉजिकली अपने बात को आप लोग रखिए लोगों के सामने, उससे आर्ग्यूमेंट नहीं होगा और जो सामने वाला भी इंसान है वो लोग भी ट्रिगर्ड फील नहीं करेंगे, इससे पॉजिटिविटी आएगा आपके किसी भी रिलेशनशिप में। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप अपने पार्टनर को या फिर जो सामने वाला इंसान है उसको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे और वो भी कहीं ना कहीं से आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं, इस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये क्योंकि देखो आपका जो ऑपोजिट हाउस है आपके फर्स्ट हाउस में ये अंगारक योग हो रहा है, तो आपके सेवेंथ हाउस जो है उसमें भी इसका इफेक्ट आएगा, तो
अगर आप लोग पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो ये आपके पार्टनरशिप को इफेक्ट कर सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप, बिजनेस कोलाबोरेशन या फिर आपके लव रिलेशनशिप में भी इसका नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है अगर आप लोगों ने प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया, प्रॉपरली बिहेव नहीं किया। इस वक्त आप लोग दूसरों को डोमिनेट ना करें तो ही बेहतर है। और अगर हाँ, अगर कॉम्पिटिशन की बात आती है, आप लोग डोमिनेट कर रहे हो तो वो दैट इज़ फाइन, बट अपने लव लाइफ में या फिर अपने पर्सनल लाइफ में अपने परिवार वालों के ऊपर ज़्यादा डोमिनेंस ना दिखाए तो ही बेहतर है। इस वक्त आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना तो हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, और आपके फाइनेंस के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त आप लोग ना कहीं खर्चा करने लगेंगे, बिना सोचे समझे आप लोग बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको केयरफुल होना पड़ेगा। और कहीं पर भी अगर आप लोग पॉलिसी खरीद रहे हो, म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा रहे हो या फिर गैम्बलिंग कर रहे हो, तो बी वेरी केयरफुल। अगर आप लोग नेचुरली माइन फील्ड में ऑयल पेट्रोलियम गैस इंडस्ट्री में काम करते हो, मैनुअल लेबर का काम करते हो या फिर गाड़ी चलाते हो, तो बहुत ही या फिर केमिकल शार्प ऑब्जेक्ट या फिर फायर के साथ कनेक्टेड कोई भी काम करते हो, तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इस वक्त आपके हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो वहाँ पर आपके इन-लॉज के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, और ना तो जॉइंट एसेट कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों के ऊपर भी प्रॉब्लम हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, और ना तो एथ हाउस जो है वो इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो जिन लोगों का ऑलरेडी इनहेरिटेंस को लेकर प्रॉब्लम है उन लोगों का और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एथ हाउस का जो ऑपोजिट हाउस है वो सेकेंड हाउस है, जो कि फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, वेल्थ एंड फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, आपके स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, तो इन सभी एरियाज़ में आपको केयरफुल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को रेमेडी करना है तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल रेमेडी देखो, आपका कर्मा ही आपका रेमेडी है। अगर आप लोग अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना सीख जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, आपको पता है कि इस वक्त आपको गुस्सा आएगा, तो अपने गुस्से पर, अपने कम्युनिकेशन स्टाइल पर आप लोग अगर कंट्रोल कर लेंगे तो काफ़ी हद तक इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाएगा। अगर आप लोग थोड़ा योगा करेंगे, डेली बेसिस मेडिटेशन करेंगे, और अपने एनर्जी को, जो भी ओवर एक्सेस जो एनर्जी है उसको कुछ क्रिएट करने में आप लोग लगाएंगे, फॉर एग्जांपल कि कुछ आप लोग काम कर रहे हो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम तक अगर आप लोग इन्वॉल्व रहेंगे, और न तो कोई अगर कोई न्यू स्किल डेवलप करने के तरफ आप लोग अपना ध्यान लगाएंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, न तो रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, मतलब ओवरऑल जो आपका फिजिकल एनर्जी है उसको अगर आप लोग एग्जर्ट करेंगे, तो क्या होगा कि ये जो अंगारक योग का जो मेलिफिक इफेक्ट है वो काफ़ी हद तक इस वक्त कम हो जाएगा, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस वक्त देखिए यही चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा इफेक्ट, मतलब पॉजिटिव बेनिफिट दे सकता है। अगर आप लोग मार्स का कोई मंत्र जाप करेंगे तो मार्स का एनर्जी और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, जिसकी वजह से अंगारक योग का जो ओवरऑल एनर्जी है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगा, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियो एंड गाइडेंस अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।